नमस्कार, मैं आप सभी का अपना गौरव बेग आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। हम सभी इस वर्तमान में अपने सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, यानी प्रेजेंट। और इस सुंदर शब्द को यदि हम दो हिस्सों में बांटें तो हमारे सामने आएगा प्रीसेंट, वो समय जिसे हमने पहले से ही भेज कर बना दिया है, क्योंकि हमारा वर्तमान हमारे भूतकाल ने खा लिया है। हमारे भीतर हमारे पास्ट की अनेकों ट्रॉमेटिक मेमोरीज हैं और हमारी इम्यूनिटी यानी इनर हीलिंग पावर को, हमारी इनर हीलिंग इंटेलिजेंस को तीन चीजें नष्ट कर देती हैं। उसमें से पहला है हमारे नेगेटिव थॉट्स, दूसरा है टॉक्सिन्स और तीसरा है ट्रॉमास, वो पीड़ादायक यादें जो हमने अभी भी अपने अंदर रखी हैं। दोस्तों, एक किताब है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, जिसके लेखक हैं ब्रूस लिप्टन। उन्होंने कहा है कि हमारे इम्यूनिटी को कमजोर या नष्ट कर देने वाली हमारे ट्रॉमेटिक मेमोरीज होती हैं, ट्रॉमेटिक पास्ट होता है, जिसे हम नहीं छोड़ते हैं, जिसे हम नहीं जाने देते हैं। इसीलिए हमारे ये इमोशंस, हमारे ये पास्ट की नेगेटिव एनर्जीज हमारे इस हीलिंग सिस्टम को नष्ट कर देती हैं। और यही वो हीलिंग सिस्टम है जो हमें अनेकों बीमारियों से बचाता है, यही वो हीलिंग इंटेलिजेंस है जो हमें बीमार होने के बाद तुरंत वापस ठीक करना शुरू कर देती है, जो हमें सदैव स्वस्थ रखने का हर प्रयास करती है। परंतु यदि यही हीलिंग इंटेलिजेंस बीमार हो जाए, वीक हो जाए, कमजोर पड़ जाए, तो हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। एक और पुस्तक ड्रामा ऑफ द गिफ्टेड चाइल्ड की लेखिका एलिस मिलर ने कहा है कि हम अपने भीतर जो मेमोरीज हैं उनको बहुत छोटी उम्र से धारण करने लग जाते हैं। सबसे ज्यादा मेमोरीज हम जब पैदा होते हैं तब से लेकर एक वर्ष की आयु तक लेते हैं, और फिर 15 से 16 वर्ष की आयु तक हम मेमोरीज को लेते जाते हैं। और ज़्यादातर मेमोरीज जो इस उम्र में हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में ले जाते हैं, जो ट्रॉमास को हम अपने भीतर जमा कर लेते हैं, वो लंबे समय तक, कई बार तो पूरे जीवन के लिए हम उन्हें अपने सबकॉन्शियस मेमोरी में जमा कर लेते हैं। अब इससे अनेकों बीमारियों को हम जन्म देते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डायबिटीज, ऑटो इम्यून डिजीजेज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, आईबीएस यानी इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम, जिसमें पाचन तंत्र, पाचन प्रणाली इरिटेट हो जाती है, कभी पेचिस और कभी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत होने लग जाती है, कभी मरोड़ यानी दर्द होने लग जाता है पेट में। यहां तक ही बात रुकती नहीं है, बल्कि हमारे डीएनए को भी, डीएनए के मूवमेंट को भी, ये जो ट्रॉमेटिक, ये जो पीड़ादायक पास्ट की मेमोरीज हैं, ये डीएनए के मूवमेंट को भी बदल देती हैं। अर्थ ये हुआ कि हमारा शरीर पूरी तरह से परेशान और बीमार हो जाता है। क्यों? हमारे शरीर में पैदा होने वाली लगभग सभी बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं, यानी मन से उत्पन्न होने वाले रोग। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि हमारे अंदर बहुत से इंप्रेशंस, मेमोरीज पड़ी हैं, अभी तक उनको बाहर नहीं निकाला गया। जब हम एक एक करके धीरे धीरे इन मेमोरीज को समझने लगते हैं और इनको निकालने लगते हैं, आप यकीन जानिए हम बहुत हल्के हो जाते हैं, हमारी क्रिएटिविटी का स्तर बहुत बढ़ जाता है। दोस्तों, ये समझते हैं कि मेमोरीज आती कहाँ से। ये मेमोरीज हमारे पास्ट से आती हैं, क्योंकि जब भी कुछ हो रहा है हम उसको अपने भीतर जगह दे देते हैं। जब भी कुछ बड़ा होता है, पीड़ादायक होता है, हमें पीड़ा देता है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे अपने भीतर जमा कर लेता है। ना केवल अपने जीवन काल में, बल्कि एक बच्चा माता के वूम में, गर्भ में है, तो गर्भ में माता की स्थिति क्या है, माता की मानसिकता क्या है, वो भी बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में ये मेमोरीज डाल देती हैं। अगर माता और पिता आपस में झगड़ते हैं, पिता या माता में किसी का बिहेवियर बहुत खराब है, तो वो इम्प्रेशंस भी बच्चे के अंदर चले जाते हैं। अगर पिता शराब पी करके बहुत मारता है माता को, या घर में परिवार में बहुत कलह कलेश क्रोध करता है, तो वो सब मेमोरीज, वो सब पैटर्न्स, इम्प्रेशंस सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे। वो बच्चा चाहे कितना बड़ा हो जाए, वृद्ध हो जाए, वो उसके भीतर ही रहेंगे जब तक उनको निकाला नहीं जाएगा।
दोस्तों ये पास्ट के इंप्रेशंस केवल एक ही पीढ़ी तक नहीं रहते, क्योंकि साइकोलॉजी में इनको कहा जाता है ग्रैंड मदर इंप्रेशंस या ग्रैंड मदर पैटर्न्स, क्योंकि कम से कम ये पैटर्न्स दो जनरेशंस तक जाते हैं, इसका प्रभाव आगे की पीढ़ियों तक जाता है। तो इसलिए दोस्तों ये इंप्रेशंस एक बच्चा एक शिशु भी अपने भीतर भर रहा है। इसलिए हम सभी को अपने आप को इन पास्ट के ट्रॉमा से मुक्त करना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास एक इंटेलेक्ट माइंड है और एक डीप मेमोरी है, यानी सबकॉन्शियस लेवल पे एक डीप मेमोरी स्टोरेज है। इंटेलेक्ट यानी बौद्धिक स्तर पर जो मन है उसका बहुत बड़ा रोल नहीं रह जाता, परंतु जो डीप डाउन मेमोरी है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। लगभग 90-95% उसी का रोल है, उसी के इंप्रेशंस के आधार पर हमारा जीवन हमारा शरीर चलता है। हमारे शरीर में कई बार बहुत दर्द होती है, ऐसे अनेकों लोग मेरे पास आते हैं जिनको बॉडी पेन्स की शिकायत है। अब बॉडी पेन और जब रिपोर्ट्स कराते हैं तो लगभग सभी रिपोर्ट्स ठीक आती हैं। अब ये बॉडी पेन को किसने जन्म दिया? इमोशंस ने, क्योंकि जो पेनफुल टॉक्सिक मेमोरीज के इमोशंस अंदर पड़े हैं वही इमोशंस मसल्स तक जा रहे हैं और मसल्स खामखामे इतना ज़्यादा तनाव झेल रहे हैं और पीड़ा झेलनी पड़ रही है उस व्यक्ति को भी। दोस्तों इसलिए मैं बताऊंगा कि कैसे ट्रॉमेटिक पास्ट से बाहर आया जाए। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? फॉरगिव। फॉरगिव उस व्यक्ति के लिए नहीं करना है, हमने अपने आप को फ्री करने के लिए उसको फॉरगिव करना है, क्योंकि हमें बार बार मन में बोलना है, मानसिक तौर पर इन शब्दों को साइलेंटली दोहराना है कि आई फॉरगिव यू, आई लेट यू गो, मैं तुम्हें क्षमा कर जाने देता हूं, जाने देती हूं, आई फॉरगिव यू एंड आई लेट यू गो। ये करते करते आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो जंजीर, वो बेड़ियां, वो गांठें खुलनी शुरू हो गई हैं। दूसरा, आपको स्वीकार करना है। जब आप उस इवेंट को, उस घटना को, उस व्यक्ति के किए हुए व्यवहार को स्वीकार कर लेते हैं तो आप अपने आप को बहुत सी पेन से फ्री कर लेते हैं। तीसरा, जब आप स्वीकार करते हैं तो आप उस घटना में से, उस इवेंट में से एक लर्निंग लीजिए कि आपको क्या लर्निंग मिली, और उस लर्निंग को आप औरों के साथ साझा कीजिए, एज अ काउंसलर, एज अ गाइड, चाहे बच्चों के साथ साझा कीजिए उस लर्निंग को कि आपने क्या सीखा। चौथा, अपने फोकस को वहां से शिफ्ट करें, उस पैटर्न को, जो पैटर्न बन गया, बार बार आपका मन वहीं जाता है, बार बार मन को उसी नेगेटिव विचार को, उसी नेगेटिव याद के बारे में सोचने की आदत पड़ गई है, तो वहां से उस फोकस्ड को शिफ्ट करें, उस पैटर्न को ब्रेक करें, और इसके लिए आपको जो भी अच्छा लगता है वो करें। उस समय जब मन वहां गया, वहां जा रहा है, उस विचार को ले रहा है, उसी पुरानी याद के बारे में सोचने के लिए जा रहा है, उस समय आप कुछ ऐसा करें जो आपको अच्छा लगता है, चाहे वो गाना गाना हो, संगीत हो, सुनना हो, चाहे वो कुकिंग करना हो, गार्डनिंग हो, कुछ भी ऐसा, किताब पढ़ना हो, कुछ भी ऐसा करना जो आपको अच्छा लगता है, आपको सुकून देता है, वो करें। जब आप 5-6 दफ़ा ऐसा कर लेंगे तो आपके मन को ये आदत हो जाएगी, क्योंकि मन नई आदतों को भी जल्दी लगाता है, तो आदत हो जाएगी कि अब आपको ये करना है और पुराना पैटर्न टूटना शुरू हो जाएगा। इसलिए दोस्तों अपने आप को फ्री करें भूतकाल के इस पीड़ा से। भूतकाल यानी काल में बैठा हुआ भूत, और भूत तो कोई भी अच्छा नहीं है, ये समय में बैठा हुआ भूत है जो आपके वर्तमान को और आपके भविष्य को खा रहा है, आपको शरीर के कष्ट दे रहा है, आपके मन को एक मिनट के लिए भी चैन से नहीं रहने दे रहा है। दोस्तों आप अपने जीवन के निर्माता रचनाकार स्वयं हैं, इसलिए अपने जीवन की रचना करें और अपने आप को पास्ट की इन बेड़ियों से मुक्त करें। आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, और औरों के साथ भी इस वीडियो को अवश्य साझा करें ताकि ये जानकारी उनके जीवन में भी कोई पॉजिटिव बदलाव लेके आ सके। आप सभी सदा आनंदित रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।